Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ जो उद्धक रामपुत और जो दूसरे एक बहुत ही प्रसिद्ध जो उस समय के सन्यासी होते हैं अलार कलाम उनके पास जाते हैं, धर्म साधना सीखते हैं, लेकिन उनसे उनको यह पता चलता है कि उनके पास और भी कुछ सिखाने के लिए नहीं है। साथ ही साथ वो मुक्ति के मार्ग तक ले जाने में सक्षम नहीं है, काफ़ी नहीं है। तो यह सोच करके वो उरुवेला जो मगध राजधानी है उसके पास में एक उरुवेला नाम की जगह होती है जो तो उरुवेला पहुंचते हैं। वहाँ पे एक सेनानी नामक जो निगम होता है वहाँ का जो मनोरम दृश्य देख करके, खासकर जो नदी होती है और पेड़ पौधे ग्रीनरी और सारा जो जो वहाँ की जो घास या जंगल या जो भी जो क्लाइमेट है वो देख के उनको इतनी खुशी होती है। उनको ये लगता है कि ये जो जगह है उनके धर्म साधना के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, तो वहाँ ही पे वो रुकने का निश्चय करते हैं। तो वहाँ पे जब वो उन्होंने प्रैक्टिस करके ऑलरेडी कुछ आए रहते हैं, तो उनको जब वहाँ पे ठहर के जब ध्यान साधना की प्रैक्टिस करते हैं तो उनके साथ और भी 5 जो उस समय के परिव्राजक हैं या भिक्षु जो होते हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही कठोर तपस्या जिसको कह सकते हैं या दुष्कर्चर्या जो 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 है कि इस शरीर को कितना तपाएं, कितना कठिन से कठिन मेहनत करें तो हमको ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस तरह की सोच के साथ वो बहुत ही कठिन तपस्या करने की सोचते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। तो जब वो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो उनके मन में 3 तरह के विचार उनके मन में आते हैं। उसमें खासकर जो विचार आते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर जो एक लकड़ी है, एक लकड़ी का टुकड़ा अगर जो पानी में भिगोया गया है या गीला लकड़ी का टुकड़ा हो और अगर जो उसको हम लोग आग लगाने की कोशिश करते हैं तो वो जो गीला जो लकड़ी है या पानी के अंदर जो लकड़ी निकाला हुआ है तो उसमें बहुत मुश्किल है आग पकड़ना, और जो भी व्यक्ति ऐसा करना चाहता है तो उसकी जो सारी मेहनत है, सारा उसका प्रयास है, वो सभी कुछ बेकार जाएगा क्योंकि वो जो गीली लकड़ी है वो आग पकड़ेगी नहीं। तो इसी तरह से वो मन में इस तरीके से सोचते हैं कि अगर जो ये एक व्यक्ति जिसके अंदर तृष्णा, कामना और वासना युक्त जो जिसके विचार हैं, जिसके मन है, अगर जो उसमें चाहा जाए कि उसमें सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन या संबोधि प्राप्ति करना चाहें तो इसमें संभव नहीं है। तो इसलिए फिर उनके उनके मन में एक और उपमा सूझती है कि जैसे कि एक सूखी लकड़ी है वो पानी में, नदी या पानी से बहुत दूर है, पूरी तरह से सूखी लकड़ी है और वो भीगी भी नहीं है, अगर जो उसको हम आग लगाने की कोशिश कर देंगे तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, पूरी तरह से जलने लगती है। तो इस तरीके से उनके मन में होता है कि अगर जो हम निरंतर जो प्रयास इस तरह का करें, जो खासकर जैसे जो तृष्णा या कामना या वासनाओं रहित युक्त चित्त से या मन से हम मेहनत करेंगे तो शायद हमको ज्ञान प्राप्त मिल सकता है। तो यही सब सोच करके वो कठोर तपस्या करने की सोचते हैं कि अपने शरीर को हम कितना ज़्यादा तपाएंगे, कितना ज़्यादा कठिन से कठिन मेहनत करेंगे तो शायद हमको ज्ञान मिलेगा। तो इस ज्ञान की खोज में जब वो तपस्या करते हैं तो बहुत तरह की साधना करते हैं। तो उसमें जो मेन कुछ साधना है जैसे कि वो अपने जो दांत है वो दोनों दांत को पूरी तरह से बंद करते हैं, पूरी तरह से और जो जो जिह्वा होती है जिसको जीभ जो जो होती है उसको जो अपने मुंह के जो ऊपर जो तलवा होता है उसमें पूरी तरह से सटा के दांत को पूरा क्लोज करते हैं, पूरी तरह से खींच के बंद करते हैं और इस तरह के अपने आप को परेशान या कष्टदायक जो साधना अपने आप को कष्ट देते हैं। तो इस तरह की वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब इस तरह की वो प्रैक्टिस करते हैं तो इनको अपार जो है दुख होता है, परेशानी होती है, कष्ट होती है, बहुत पीड़ा होती है।
तो वो जो पीड़ा होती है वो फिर भी वो सोचते हैं कि ये जो पीड़ा है, ये कष्ट है, ये ठीक ही है, उनको वो उससे घबराते नहीं हैं, और उनका जो वीर्य है, जो कह सकते हैं कि एक जो दृढ़ निश्चय है, वो और मजबूत होता जाता है कि हम जरूर ज्ञान प्राप्त करेंगे इस तरह की साधना करके। तो वह और भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं, उसी तरह की साधना करते हैं। तो स्पेशली जो श्वास रोक करके साधना करने की, तो एक बार ऐसा आता है कि जो अपने नाक से भी जो सांस जो है और मुख से, उसको कंप्लीटली बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से जब करते हैं कि नाक से भी सांस नहीं है, मुख से भी सांस नहीं है, तो उनको ये लगता है जो कान में जो है जो सांस निकल रही है, या जो सांस की जो आवाज़ है जो फूलने की, उनके सिर में जैसे लगता है कि जैसे एक लुहार होते हैं जो 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 धुनता है, जिस तरीके से लोहा जब थपथपाता है, उस तरह की उनको ध्वनि सुनाई देती है। बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है सर में, और तरह तरह की जो कष्ट उनको मिलने लगता है। तो इस तरीके से उसको फिर भी वो सहते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो और प्रैक्टिस आगे करते हैं, कान से, मुख से, नाक से भी, अपने आँख जो जो सभी तरह से सांस जो है वो हवा अंदर नहीं आ सकती, बाहर नहीं जा सकती, ऐसे अपने आप को कठोर तपस्या इस तरह करते हैं, उनके आँख से पानी आने लगती है, उनके पेट में जो हवा भर जाती है तो पूरी तरह से दर्द करने लगता है। तो इस तरीके से वो हर एक तरह का, जितना जिसको हम लोग कठोर तपस्या करते हैं, कठोर से कठोर चीज़ें, तो ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर को कितना ज़्यादा कष्ट दिया जाए, कितना ज़्यादा तपाया जाए, तो उनको लगता है कि इससे ही ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन इतना करने के बाद से देखते हैं कि एक तो उनका शरीर जो है वो कमज़ोर होते जाता है, उनको इतनी पीड़ा होने लगती है, उनको बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है। तो ऐसे स्थिति आ जाती है कि वो बिल्कुल मरने की स्थिति में हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब तो ये बचे या मरे। कुछ लोग आते हैं देखते हैं तो कहते हैं ये तो मर गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मरा नहीं है, अभी तो जिंदा है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो बुद्ध बनने की जो रास्ते हैं, हो सकता है उसमें से एक प्रैक्टिस करने का एक तरीका हो। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें उनको जो परेशानी होने लगती है, फिर उनको लगता है कि जो भोजन भी हमको मतलब कम करना चाहिए या उसको बंद करना चाहिए, तो आहार जो होता है, जो भोजन होता है, वो भी वो कम करने लगते हैं। तो उसमें वो आहार जो होता है, जैसे कि जो जो मूंग के जो दाल होते हैं उसके सूप पी लिए, कभी वो बहुत तरह के जो पेड़ पौधे हैं उसमें जो वनस्पति, उसका जो कुछ जूस या रस पी लेते हैं, कभी कभी जो मटर है उसका सूप बना के पी लिए। तो इस तरीके से इतना जो जो मुट्ठी भर थोड़े से खाने पे ही जो गुजारा करके, और वो प्रैक्टिस करते रहते हैं करते रहते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि वो प्रैक्टिस करते करते उनको पूरा का पूरा शरीर सूख जाता है, और शरीर ऐसे सूखता है कि जैसे कि एक लौकी जो होती है, अगर जो उसको हम लोग धूप में और हवा बहती है उसमें रख दें तो पूरी तरह से सूख जाती है। तो उसी तरह से उनका चेहरा सूख करके पूरा का पूरा, वो जो आँख है वो जैसे कि जो हम लोग जब एक बड़े तालाब में देखते हैं जो तारा जो ऊपर आकाश में दिखाई देती है, उस तरीके से उनका जो आँख है वो इतना अंदर धंस जाती है कि इतना दूर वो कूप में दिखाई देने लगती है। तो इस तरीके से जो जो हड्डियों का एक एक चीज, जो उनका जो पसली होती है, जैसे जो पुरानी जो कोई घर है जहाँ पे कड़ी लगी रहती थी, तो उस तरह के पूरी तरह से हिल डुल रही है, जो पीठ की जो रीढ़ की जो हड्डी है वो एक पूरा रस्सी जैसा वो गांठ बन करके सारा दिखाई देने लगता है। वो इतने ही मतलब सूख जाते हैं, हड्डियों का ढांचा ही रह जाता है उनका, इतना ज़्यादा वो निर्बल हो जाते हैं कि स्नान करने के लिए भी उठते हैं तो गिर जाते हैं वो, तो उठने की भी शक्ति उनको ख़त्म हो जाती है। फिर इतना उनका जो पेट है और पीठ है, वो अगर जो पीठ पे अपने उंगली रखते हैं तो पेट तक आ जाती है, पेट पे उंगली रखते हैं पीठ पे चली जाती है, यानी कि वो पूरा एक मुट्ठी से उसको पीठ और पेट को पकड़ सकते हैं, इतना वो पतला हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो शरीर से दुर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इतना करने के बाद भी उनको जो ज्ञान मिलना चाहिए, जो सम्यक ज्ञान होता है, वो मिलता नहीं है। तो उनको यह होता है कि अगर जो खाना भी पूरी तरह से छोड़ दें, तो जब खाना पूरी तरह से छोड़ते हैं तो उस समय एक
उनके मन में एक विचार आता है कि एक कुछ देवता जो देखते हैं कि अगर जो ये आप वो आते हैं बोलते हैं कि अगर जो आप खाना छोड़ देंगे तो आप तो मर जाएंगे, तो इसलिए आपको जिंदा रखने के लिए हम लोग जो आपके जो लोम कूप है उसमें से कुछ हम ओज भर देंगे, कुछ एनर्जी हम लोग आपको प्रतिदिन दिया करेंगे जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ बना रहे। तो सिद्धार्थ कुमार जब ये सुनते हैं तो उसको फटकार लगाते हैं कि नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की साधना करना एक झूठी साधना होगी और इसका ज्ञान भी नहीं मिल सकता है। तो इसलिए वो निश्चय करते हैं कि ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे। लेकिन जब इतना कुछ साधना करके भी उनको जब कुछ नहीं होता है तब वो लोग भी ताने मारने लगते हैं, अरे ये तो काला हो गया, अरे ये तो सांवला हो गया, अरे ये तो जो जो स्वर्ण रूप या स्वर्ण का जो सौंदर्य था वो तो पूरी तरह से धुंधला गया, इसका खत्म हो गया। तो इस तरह से लोग जो है ताने मारने भी लगते हैं उनको। तो यह सब सारा देख करके उनको मन में यह विश्वास होने लगता है कि इस तरह की जो जितने भी बुद्ध हुए हैं पहले या भविष्य में जो होंगे, निश्चित रूप से यह साधना किए होंगे, गए होंगे, लेकिन कभी भी बुद्ध बनने के लिए इस तरह की साधना जो हम लोगों को बुद्ध बनने को नहीं पहुंचा सकती है, ये जो कठोर जो साधना है निश्चित रूप से यह कोई रास्ता नहीं है। इसमें तो शरीर भी खत्म हो जाएगा आदमी का, लेकिन बोधि जो है ज्ञान वो नहीं मिल सकता है। तो उनको पूरा विश्वास हो जाता है, खुद करके उन्होंने जब देखते हैं इस चीज़ को तो उनको पूरा पता चल जाता है कि यह जो कठोर तपस्या है, जो दुष्कर्चर्या है, इस तरह का जो मार्ग है निश्चित रूप से सम्यक संबोधि ज्ञान के लिए सही नहीं है। इससे ये रास्ता नहीं है, इससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, बल्कि आदमी अपने आप को और कष्ट में ही डालता है। तो यह जब सोचते हैं तो उनके मन में विचार होता है कि कोई तो कोई रास्ता होगा, क्या इस दुनिया में ऐसी कोई रास्ता है ही नहीं है कि जिससे हमको सम्यक संबोधि जो ज्ञान है वो मिल सके, और क्या रास्ता हो सकता है। तो इस पे उनका विचार चलता है, और ये विचार जब चलता है तो वो मन में निश्चय कर सकते करते हैं कि निश्चित रूप से वो पीछे जाते हैं पहले तो, और जब विचार जब करते हैं तो वो पीछे जब सोचते हैं तो उनको एक बचपन की एक घटना याद आती है। तो पिछले भाग में जो आप लोगों ने सुना होगा, जब जो जो कुछ कुछ हफ्ते पहले जो एक वीडियोस थी जिसमें हमने वर्णन किया है उनके बाल्यावस्था के बारे में, तो जब सिद्धार्थ कुमार बहुत छोटी आयु के होते हैं और उनके जो पिता जो महाराजा सुदोधन हैं और सारे जो नगरवासी और राजमहल के लोग एक जो त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं, उस त्यौहार को मनाते समय जो जो राजा है वो हल चलाने का त्यौहार होता है खेतों में, तो इस तरह का जो त्यौहार और उत्सव जब मनाते हैं तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, और इनको छोड़ करके जो इनको देख रेख करने के लिए जो जो परिचारिकाएं इनके आसपास रहती हैं वो भी उस त्यौहार को देखने के लिए चली जाती हैं, ये अकेले रह जाते हैं, और एक जामुन का पेड़ होता है उसके नीचे ये बैठ के साधना करते हैं। तो साधना करते करते इनको प्रथम ध्यान जो प्रीति सुखमय सहित जो प्रथम ध्यान की अवस्था एक जो होती है उसमें पहुंच जाते हैं वो, तो उस समय उनको अपार जैसे हर्ष एक अपार खुशी महसूस होती है, उनका ध्यान लग जाता है। तो जब सारे लोग जब जाते हैं वो बालक को देखते हैं तो राजा उनको उनके जो पिता है वो प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं यह अद्भुत दृश्य देख करके, और सारे लोग अवाक रह जाते हैं, इतना छोटा बच्चा कैसे इस तरीके से ध्यान में बैठा हुआ है वहाँ पे। तो जब ये घटना उनको याद आती है कि जब हम इस तरह की साधना किए थे तो हमको अपार एक खुशी मिली थी, एक शांति मिली थी और एक रास्ता मिला था कि जो एनलाइटन की तरफ जा सकता है, तो हो ना हो अगर जो हम उसी को और आगे प्रैक्टिस करें तो शायद हमको एक संबोधि या बुद्धत्व प्राप्ति की तरफ ले जा सकता है। तो यह सोच करके वो मन में निश्चय करते हैं कि आज के बाद से हम धीरे धीरे जो अन्न है उसको भी ग्रहण करेंगे, क्योंकि शरीर को पूरी तरह से इतना कष्ट दिया, अन्न खाना भी त्याग दिए, उसके बावजूद भी हमको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, तो क्यों नहीं हम अब से जो खाना पीना भी शुरू करें और साथ ही साथ कुछ स्थूल आहार जैसे दाल हुआ, चावल हुआ, रोटी हुआ, या जिस तरह के कुछ अच्छे अच्छे पौष्टिक
पौष्टिक आहार भी खाएं कि शरीर भी अपना सही हो और मेडिटेशन और ध्यान भी जो जो होते रहे। तो यह जब निश्चय करते हैं, यह जब सोचते हैं, तो उनके साथ में जो जो पांच और जो अन्य जो परिव्राजक हैं, जो भिक्षु हैं, वो जब साधना करते हैं तो उनको ये बताते हैं कि हम ऐसे, मेरे मन में विचार है, हम ऐसे अब करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको ज्ञान नहीं मिलता है। अभी हम अन्न और पान का ग्रहण करते हुए, अपने शरीर को ठीक रखते हुए फिर साधना हम करेंगे। तो जब वो लोग सुनते हैं, वो जो पांचों जो परिव्राजक हैं, उसमें जो कुंडैया वप्पा भद्दा अस्सजी महानामी पांच होते हैं, और कुंडैया वही होते हैं जो उनको सबसे पहले जब यह पैदा हुए रहते हैं, तो उनमें जो सबसे जो आठ ऋषियों में से एक ऋषि होते हैं, जो भविष्यवाणी किए रहते हैं कि सिद्धार्थ जो है ये राजकुमार आगे चल करके निश्चित रूप से बुद्ध बनेंगे, तो वही वो कुंडैया होते हैं। तो जब ये सब सारा सुनते हैं, तो पांचों जो हैं, जो कुंडैया और ये उनके चार अन्य जो 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 साथी, इनको छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि ये कौन सा सिद्धार्थ है कि जो बार बार अपने जो बातों को चेंज करता है, यह एक बार कुछ और प्रैक्टिस करता है, एक बार कुछ और प्रैक्टिस करता है, एक जगह टिका नहीं रहता है, तो हम लोगों को कैसे यह बौद्ध जो जो बोधि प्राप्त करके हम लोगों को शिक्षा देगा। तो वो जो पांचों जो 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 साथी होते हैं, अनुयायी जो जो इनके साथ में साधना करते हैं, उनको ये लगता है कि अगर जो सिद्धार्थ हमसे पहले ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हम लोगों को भी जरूर ये सिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन जब वो देखते हैं कि सिद्धार्थ जब भोजन भी शुरू करने लगते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, अब ये इसकी साधना सफल नहीं हो पाएगी, ये तो भोजन करने लगा, ये जो कठोर तपस्या है उससे भटक गया है। तो यह सोच करके उनको छोड़ देते हैं वो लोग, वहाँ से वो चले जाते हैं। इनको इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो साधना है आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं है और आप रास्ते से भटक रहे हैं। तो यह कहते हुए इनको छोड़ के चले जाते हैं और वे लवाएं। तो उस समय जो सिद्धार्थ गौतम होते हैं, बिल्कुल अकेले वहाँ रह जाते हैं, ये लोग सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो उस समय जब अकेले रह जाते हैं और वो निश्चय करते हैं कि अब से जो हम भोजन करके और जो हम जो बाल्यावस्था में जो उनको एक अनुभव हुआ रहता है प्रथम ध्यान का, उस रास्ते पे चल के और आगे बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे निश्चित रूप से ऐसे लगता है कि उससे हमको ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, तो उस रास्ते पे चलने का निश्चय करते हैं वहाँ से। तो इस तरीके से जो वो आगे क्या होता है उनके जीवन में, किस तरह की साधना मतलब वो करते हैं, तो क्या उनको बोधि प्राप्ति होती है कि नहीं होती है, और साथ ही साथ जो आने वाले जो उनको जो खास जो अभी जो सुजाता ने उनको जो भोजन दिया है मार का, जो कैसे उनके ऊपर जो उनको डिस्टर्ब करता है, उनको प्रभावित करने की कोशिश करता है, ज्ञान प्राप्ति होती है। तो बहुत सारे जो जो चीज़ें हैं जो हम आने वाले जो अपने भाग में डिस्कस करेंगे, उसको उसके बारे में बताएंगे। तो आज का जो भगवान बुद्ध की जो लाइफ स्टोरी है, लाइफ हिस्ट्री है, इतना ही। तो हमें कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए, आप बताइए, कोई कमेंट है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और निरंतर आपको ये जो भगवान बुद्ध की जीवनी जो है हिंदी में मिलते रहे, तो इसके लिए अगर जो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। और मेरा प्रयास हुआ कि निरंतर इसका जो है हम वीकली या पहले या थोड़े से इधर उधर जो भी है कि हम लोग निरंतर इसको आपको अपडेट्स देते रहें। तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और अगर जो कोई भी, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो ज़रूर आप लिखिए, हम हमेशा उसका उत्तर देंगे।